खाजा पिज्जा में आप सबका स्वागत है। अभी नवरात्र चल रहा है तो आज हम सात्विक खाना बनाएंगे। उससे पहले सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आलू और साबूदाने की चीला बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आलू और साबूदाने की चीला। तो इसके लिए मैं ये एक आलू ली हूँ, उसको बॉयल करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे इसके साथ, साबूदाने के साथ। साबूदाना मैं ली हूँ हाफ कप ली थी, इसको 3-4 घंटा भिगो के उसको छान के रख ली हूँ। दही मैं ली हूँ 2 चम्मच, ये थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे। हाफ टी स्पून मैं ली हूँ ये काली मिर्च पाउडर और एक ग्रीन चिली। और ये बादाम मैं ली हूँ, इसको फ्राई कर ली हूँ बादाम को, ये 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून, आपको जैसे टेस्ट के हिसाब से लीजिए। जिसको अच्छा लगता है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा घी लेंगे। तो सबसे पहले हम आलू, साबूदाना, बादाम सबको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मैं एक जार ले ली हूँ, इसमें हम साबूदाना डाल देंगे। आलू को मैं थोड़ा सा मसल के डाल दे रही हूँ। इसमें हम बादाम को भी डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मैं साबूदाना, आलू और बादाम को ग्राइंड कर ली हूँ। इसको हम अब ये बाउल पे निकाल लेंगे। अब इसमें हम ये जो काली मिर्च, सेंधा नमक और जो मिर्ची था मैं उसको चॉप कर ली हूँ, इसको डाल के मिला लेंगे। इसमें हम दही को भी डाल देंगे। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें घी लगा लेंगे। अब आंच को धीमा कर लेंगे। इसको हम थोड़ा फैला देंगे। अब इसको थोड़ा ढक के पका लेंगे। अब इसको ढक के 2 मिनट पका लेंगे। मैं सीम पे ही रखी हूँ। तो ये हमारा 2 मिनट हो गया है। इसको भी पलटा देंगे और दूसरे तरफ से भी लाल होने तक सेंक लेंगे। आपको मैं एक यहाँ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी बैटर को पतला ना करें। आप इसको जब भी ट्राई करें तो बैटर को पूरा गाढ़ा रखें। तो इसको धीमी आंच पे ही पकाना है ताकि इसे धीरे 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 ये लाल हो जाए, तब तक हमको पकाना है। तो ये हमारा नीचे से भी हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और बाकी बचा हुआ बैटर को भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चीला रेडी हो गया है। तो आज का ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसको मैं ये सेब की चटनी के साथ सर्व की हूँ। आप कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, कोई भी सब्जी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय।